धर्म की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसे आप सुरक्षित रखें, उसके अभ्यास करें। तो धर्म ही एकमात्र की वो संस्कृति है, वो दर्शन है जिसके अभ्यास भी कर सकते हैं, जिससे ज्ञान भी प्राप्त कर सकते, जिससे निर्वाण भी प्राप्त हो सकता है, जिससे मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। और सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखने के वजह भी है कि करुणा, मैत्री, सहनशीलता, संतुष्टि, सच्चाई, ये सभी धर्मों में एक समान है, संदेश है, शिक्षा है। परम पावन जी बताते हैं कि करुणा और मैत्री यानी कि प्रेम, तो प्रेम मन में उत्पन्न होने से रोकता कौन है? ये क्रोध है। और क्रोध को शांत कैसे करें? सहनशीलता रखें। सहनशीलता कैसे रखें? कि खुंदक ना रखें मन में, दुष्ट भावना ना रखें। और दुष्ट भावना, खुंदक ना रखने के उपाय क्या, किस माध्यम से? वैज्ञानिक दृष्टि से, प्रमाणिक दृष्टि से ध्यान करें, अध्ययन करें। दलाई लामा जी बताते हैं ये जो उपाय है, ये जो मार्गदर्शन है, ये भारतीय दर्शन के हैं। तो भारत एकमात्र के वो देश जो वाकई में संसार भर को, चाहे देश हो, चाहे व्यक्ति हो, समाज हो, उसको मार्ग दिखा सकते हैं, दिखाई भी है उसी आधार पर। और आज और ज्यादा आवश्यकता है उसकी। अंत में साथ में कहने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस अवसर पर दलाई लामा जी के दर्शन और मार्गदर्शन हम आप सबको मिलते रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। और इस पर हमें ध्यान अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, केवल एक धार्मिक दृष्टि से नहीं, आस्था की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। विशेष करके जो शिक्षा के क्षेत्र में है, अध्यापक हो चाहे विद्यार्थी, विशेष कर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दलाई लामा ही एकमात्र के वो व्यक्ति हैं, वो धर्म गुरु हैं, वो आध्यात्मिक नेता है, जो भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर आज के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ जी तक, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, मिलते हैं, परिचित हैं। और दलाई लामा जी 20वें या आज के 21वें दो शताब्दी के एक महापुरुष, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आज तो विज्ञान के क्षेत्र में भी उनको दुनिया पूछते, एक दलाई लामा जी को एक वैज्ञानिक मानते हैं, स्वयं वैज्ञानिक मानते हैं। उनके जीवन दर्शन से हम आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीख भी रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में दलाई लामा जी द्वारा रचना किए भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के 17 आचार्यों के जो स्तुति है, उसके समाप्ति पर उन्होंने उस स्तुति के समाप्ति पर ये कहा है, शी निजी थे भारतीय दर्शन की यह महत्व कि मूल रूप से हम वास्तविकता को पहचाने। वास्तविकता दो तरह के वास्तविकता, एक भीतर के, एक बाहर के, एक कर्म की दृष्टि से है, दूसरे जो कुछ स्वभाव की दृष्टि से है, जिसे प्रमाद सत्य या संविर्थ सत्य कहते हैं।
उस आधार पर उसे जानते हुए उसे ज्ञात होकर फिर बुद्ध की शिक्षा चार आर्य सत्य के जिसमें संसार और निर्वाण के व्याख्या की गए हैं और उसे प्रमाणिक तौर पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें परखें बुद्ध धर्म संघ के प्रति तब जाकर आस्था श्रद्धा उत्पन्न हो तो उसी से निर्वाण यानी कि मोक्ष समझ सकते हैं। ये उन्होंने इसमें ऐसा कहा है। और अंत में दलाई लामा जी के लंबे आयु की प्रार्थना करते हुए ये प्रार्थना श्लोक खनरे रवि को विशिंगम से फिर दंदे वहां मालिन छू चेहरे से वहां तीन तीन जांच हुई शव स्थिति पा देते हैं। अर्थात हिमालय क्षेत्र के नाथ कल्याण और हित के मूल लोकेश्वर तीन सिंह ज्ञातो आप हमेशा इसी तरह हमें दर्शन देते रहे। ये श्लोक कई सदियों से दलाई लामा जी के लंबे आयु के प्रार्थना के तौर पर पाठ किए जाते हैं जिसे कुछ इतिहासकार जो कि तिब्बत के राष्ट्र गान माने जाते हैं। और सबको मेरा हार्दिक धन्यवाद बहुत बहुत नमस्कार तुझे छे।